सो गाइस आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्री फायर का पिंग कैसे मेंटेन रख सकते हो। जैसे कि सब लोग के फ़ोन में 500, 400 या फिर 3200 तक के पिंग रहता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी होता है और कम नहीं होता है। 50 या फिर 60-70 तक के कम नहीं होता है, और 100-200 तक के और ज़्यादा रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप फिक्स कैसे कर सकते हो, और बस कुछ सेटिंग है उसको आपको अप्लाई कर देना है अपने फ़ोन में। बस अप्लाई कर दोगे तो आपका पिंग फिक्स हो जाएगा, और पिंग रहेगा 50-60 या फिर 70 तक के रहेगा। इसके अंदर ही रहेगा, 70 के अंदर रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और जो जो चैनल पर न्यू आए और इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पे कर देना चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो ज़्यादा देर ना करते मैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने सेटिंग में आना, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाटा यूजेस ऊपर में, आपको क्लिक करना है डाटा यूजेस। अब यहाँ पे क्लिक कर देना तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद मोबाइल डाटा यूजेस आ चुका है, और यहाँ पे आप क्लिक करूँगा तो आपके सामने बहुत सारा देखो ऐप आ चुका है। और यहाँ पे आपको वो ऐप देखना है जो बैकग्राउंड में डाटा बहुत ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर है, यहाँ पे आपको क्लिक करके इसका बैकग्राउंड डाटा ऑफ़ कर देना है। और मोबाइल डाटा वगैरह सब यहाँ पे रहेगा ऑन, लेकिन मैंने ऑफ़ कर दिया हूँ पहले। तो आपका यहाँ पे सब ऑफ़ कर देना है, तीनों एक लाइन से ऑफ़ कर देना है, आपको सब ऑन रहेगा। तो आपको तीनों एक लाइन से ऑफ़ कर देना है। और यहाँ पे ब्राउज़र का भी मैं बैकग्राउंड डाटा ऑफ़ कर देता हूं। और यहां पे विडमेन डाउनलोडर देख सकते हो आप कितना बैकग्राउंड डाटा ले चुका है। और यहां पे आपको इसका भी ऑफ़ कर देना है, और सब ऑफ़ करके आपका गेम चालू कर देना है। और गेम चालू कर दोगे तो यहां पे देख सकते हो पिंग ऊपर में आप देख सकते हो कितना कम हो चुका है। सो गाइस जैसे कि आप देख ही सकते हो पिंग कितना कम हो रहा है, 62 हो चुका है और 61, अब यहाँ पे 59, 55 हो चुका है। तो यहाँ पे आपका ये सेटिंग करने के बाद आपका पिंग ऐसा फिक्स हो जाएगा, और कम 70 के ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे रहेगा। तो अब मैं आपको बता दूँ कि बैकग्राउंड डाटा ऑफ करने के बाद ऐसा पिंग कम क्यों होगा और बढ़ेगा क्यों नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बैकग्राउंड डाटा ऑफ़ करने के बाद ऐसा पिंग कम क्यों होगा। तो गाइस बैकग्राउंड डाटा आप ऑफ़ कर दोगे सब ऐप्स का, तो जितने भी ऐप डाटा यूज़ लेते थे बैकग्राउंड डाटा, वो सब ऐप का जो बैकग्राउंड डाटा है वो यूज़ नहीं होगा, और डायरेक्ट वो गेम के ऊपर फोकस करेगा, तो इसलिए पिंग मेंटेन रहेगा। और जैसे मैंने वीडियो में बताया वैसे बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आपका पिंग मेंटेन रहेगा बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको सेटिंग की बताया कि ऐसा करना है, तो बिल्कुल आपको सेम टू सेम वैसा करना है, तो आपका पिंग बिल्कुल मेंटेन रहेगा, 50-60 के अंदर रहेगा, 70 के अंदर रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, 500-200 तक के ऊपर नहीं जाएगा, और इसके अंदर रहेगा। जैसे मैंने आपको सेटिंग बताया, बस आपको वो सेटिंग अप्लाई कर देनी है अपने फ़ोन में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पर उससे पहले जो जो चैनल पर न्यू आए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, मैं मिलता हूं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए बाय।